दिल्ली पुलिस ने एक गाड़ी से 3.5 करोड़ के पुराने नोट के कैश के साथ 3 लोगों को पकड़ लिया है। आरोप है कि ये लोग बैंक के कर्मचारियों की मदद से इस पैसे को नई करेंसी में बदलवाने जा रहे थे। इस रैकेट में कौन कौन शामिल है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने इनकम टैक्स को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। जिन 3 लोगों को पकड़ा गया है उनमें से एक CA बताया जा रहा है, जिनसे पूछताछ जारी है। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन किए जाने के बाद कैश की कमी के चलते सरकार ने एयरपोर्ट की पार्किंग को फ्री रखने की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ा दी है। अब ये छूट 28 नवंबर तक लागू रहेगी। ₹1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस के सिलसिले में CBI ने कल कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से 3 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। टाइटलर ने दंगों में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। पिछले महीने CBI ने स्पेशल कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए 4 महीने की मोहलत मांगी थी। दिल्ली के सरिता विहार में एक मॉल के ठीक सामने एक व्यक्ति को बाइक सवार हमलावर ने गोली मार दी। वारदात के बाद घायल व्यक्ति को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार की घायल अलीम के साथ कहासुनी भी हुई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दिल्ली का खान मार्केट दुनिया में रिटेल मार्केट में 28वां सबसे महंगा मार्केट है। वहीं देश में खान मार्केट महंगाई में अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म खुशमैन एंड वेकफील्ड की सर्वे में बात सामने आई है। दुनिया में सबसे महंगे बाजार के मामले में पहले नंबर पर न्यूयॉर्क का अपर 5th एवेन्यू तो दूसरे नंबर पर हांगकांग का कॉजवे बे है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नोट बैन को लेकर चेतावनी दी है कि उन्होंने अभी तक नोट बैन के मामले में संयम बरता है और अगर ऐसे ही रहा तो वो इसके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले पर जनता को हो रही समस्याओं को लेकर शिवसेना के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने नोट बैन के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2000 रुपए का नोट वापस लेना चाहिए और 200 रुपए का नोट लाना चाहिए। चौहान ने कहा कि RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। NIA ने अब तक जाकिर नायक से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें जाकिर नायक के भाषणों के टेप और DVD के साथ ही कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जाकिर नायक की संस्था IRF पर पहले ही 5 साल का बैन लग चुका है। मुंबई के सेंट्रल रेलवे रूट पर कल शाम दादर से कल्याण की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेन का पेंटाग्राफ टूटने से रेल सेवा प्रभावित हुई। शाम को करीब 4 बजे जब लोकल ट्रेन कुर्ला स्टेशन पहुंची तो पेंटाग्राफ में आग लग गई। इस घटना से पैसेंजर्स में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के लातूर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मेन ब्रांच के मैनेजर और 3 अन्य कर्मचारियों को नोट बदलने के मामले में सस्पेंड किया गया। मैनेजर विकास कदम और 3 कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ व्यापारियों से 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट लेकर 19 लाख रुपए के नए नोट दिए थे।